साथियों पहला चैप्टर है जिसमें तीन अंकों तक की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से कहा गया था। मुझे उम्मीद है ये कंप्लीट हो चुका है ना, हो चुका था ना, कुछ बचा होगा तो बता देना, बाद में करवा दूंगा। दूसरा चैप्टर है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठक का सरलीकरण, यानी इसमें एक प्रकार से बोर्ड मास नियम है। तो बोर्ड मास नियम आज हम पढ़ेंगे, उसके बाकी मतलब बाकी जो चीजें हैं उनको आगे पीछे करते रहेंगे इसी में। चलो देखो, बोर्ड मास रूल बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। बी का मतलब होता है ब्रेकट, यानी कोष्ठक, हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। ओ का मतलब अदर या ऑफ, गुड़ा। सबस्ट्रक्शन, घटाना, ठीक है, ये मतलब समझ गए। आइए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इनको लिख लीजिए पहले। स्वयं बातचीत बहुत कर रहे हो, लास्ट वार्निंग भी दे चुका हूं, अब तुम्हें सिर्फ ब्लॉक करना है। आगे बढ़े, चलो आइए, ठीक है। कोष्ठक देखिए साथी मेरे, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, ठीक है। ये चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक का भी सीरियल से हल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनको सीरियल से हल करते हैं, समझना यहाँ पे कैसे। स्टार्टिंग से बात करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं, बहुत टाइम है अभी एग्जाम होने को, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत समय है। चलिए, जैसे मैं बहुत पहले छोटा सा सवाल देता हूं, एकदम छोटा सा, समझिए। इसका मान बताइए, बहुत छोटा प्रश्न है ना साथियों। बोर्ड मास का नियम में आप पढ़ चुके हो, देखो क्या है, इसका मतलब है सबसे पहले ब्रेकट वाला पार्ट हल करते हैं, फिर ऑफ या अदर वाला जो अंडर रूट वगैरह होता है, स्क्वायर होता है, वो सब करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सीरियल होता है, ठीक है। गला मेरा कुछ खराब है, बरसात का टाइम चल रहा है, देखो यहाँ पे मैं अब कमेंट नहीं देखूंगा। चलो, इसमें ब्रेकट कहीं है नहीं, अगर ब्रेकट वाली चीजें छोड़ दें तो क्या आता है, ब्रेकट वाली चीजें छोड़ दें, ये छोड़ दें तो डिवीजन से शुरू होता है, तो डिवीजन सबसे पहले होता है, फिर मल्टीपल होता है, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये सीरियल है। चलो सबसे पहले भाग करेंगे, इतना हल करेंगे, 15 से इनको भाग करेंगे साथी मेरे, 15 आ जाएगा। सबको दिख रहा ना चाचा,
इतना अंडर राइट है, इतना हो गया। हाँ एक मिनट रुकना यार, रुकना थोड़ा। हाँ जी हाँ, चले भैया देखो कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट होती है, बातें करनी पड़ती हैं। चलो तो ये 15 हो गया, अभी इसके बाद जो प्लस है इनको ऐसे लिख दोगे एक लाइन में, आप एक ही चीज करोगे। पहला हो गया बोर्ड मास नियम में, पहले भाग हो गया, अब डिवीजन होता है ना। अरे भाग डिवीजन तो एक ही होता चचा, मल्टीपल होगा ना, गुड़ा गुड़ा वाला, यानी ये हल होगा। तो 15 ऐसे रहेगा प्लस 9 7 63 माइनस का 3, यानी हम ये हिस्सा हल कर लिए इतना आ गया। अब सिर्फ जोड़ना और घटाना है, तो पहले जुड़ता है इनको जोड़ दो, 5 3 8 6 1 7 माइनस 3 75 आएगा लास्ट में, लिख लो। आराधना तिवारी जी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कॉपी पेस्ट ना करिए, निवेदन है, निवेदन है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कॉपी पेस्ट ना करिए। चलिए हो गया। तो ये था बोर्ड मास रूल का बिल्कुल बहुत ही छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा सवाल, जिसका आप लोगों ने कर दिया बुरा हाल। चलो दूसरा सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए, उम्मीद है कि सभी हल कर लेंगे। अब इसका मान बताइए क्या आएगा, कर लेंगे। आइए जनाब देखिए बताता हूं, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको भी हल करेंगे। इसमें भी संयोग से ब्रेकट नहीं है कहीं, तो ब्रेकट नहीं है तो कोई रोक टोक है नहीं, खुल्लम खुल्ला है जो भी है सब दिख रहा है। चलो देखो सबसे पहले डिवीजन करते हैं, देख लो एक बार, नहीं तसल्ली है तो। अगर ब्रेकट नहीं है यानी ये इतना चीज इसमें से गायब है, तो भैया भाग शुरू होगा पहले नंबर पे, एक पे भाग है, दूसरे पे गुणा है, तीसरे पे जोड़ना है, चौथे पे घटाना है, यही चारों ही करना है उसमें, बस इतने में दिल लगाना है तुम्हें। चलो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, क्योंकि ऊपर वाली चीजें उसमें है नहीं। तो पहले भाग वाला करोगे, उसके नीचे वहां तक वैसे लिख लेंगे बिना किसी छेड़छाड़ के बिल्कुल। तो 9 प्लस ये 5 माइनस सब लिख लो, इतना कुछ नहीं छेड़ना बस। 3 से भाग करोगे 27 में 9 आएगा ना, तो इसकी जगह पे पूरे के 9 आएगा, फिर गुड़ा का चिन्ह बाद में, और 5 भाग हो गया। आप क्या करोगे, गुड़ा या जोड़ बताओ। शिरोमणि का आंसर आ गया, रुखसार, सोना, मूर्तिका, धर्मेंद्र, दिव्या, सबका आंसर आ गया, हम ही पीछे यही का हो। चला फिर हम दौड़ के चली थी, चला 9 धन 5 माइनस 9 5 45। अगले लाइन में जुड़े भैया, ये हो जाएगा 9 5 14 माइनस 45। देखा बहुत आसान है का घटाऊ, अगर 45 से 15 घटाते तो 15 आता, कहाँ दिमाग जा रहा है, खोपड़ी चरे गई है का। 45 से 15 घटाते तो 30 आता, लेकिन संयोग से 14 घटा रहे तो एक ज्यादा आएगा, मतलब 31 आएगा, उल्टा घट रहा है तो माइनस में आएगा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, माइनस ही आएगा। ठीक है भैया, जिनका माइनस नहीं आया उनका गलत है।
सबाई खाएगा हो भैया, लोग आवा कि ना आवा हो, बुझान कि नहीं, थोड़ा बहुत तो बुझाते हुए, ज्यादा ना बुझाया, ज्यादा तो बुझा थे तो लोग जब देखा था अक्षरा केसारी और पवन सिंह का, तब हुआ ज्यादा बुझा था, यहाँ थोड़ा बहुत बुझाए, चला देखा धीरे धीरे बुझाए लगे। अब नहीं, हम बिहारी नहीं है, हम प्रयागराज यूपी वाले हैं, अवध से बिलोंग करते हैं स्पेशली। आइए अगला देखिए, 47 + 5 इनको हल करिए, कितना आएगा बताइए। जल्दी करिए, कितना आएगा। देखिए अभी डीएलएड का क्लास शुरू हुआ है तो स्टार्टिंग में हम स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाते हैं, डायरेक्ट हवा में प्लेन नहीं उड़ाते हैं। तो जिनको हवा में उड़ना है वो कहीं और जाएं, जिनको रियल में सीखना है शुरू से वो जुड़े हमारे साथ, उनको पूर्णांक मिलेगा, मैथ में पूर्णांक मिलेगा। चलो आप देखो क्या करना है भैया, बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं, तो ब्रेकट खोज लो टार्च लेके जहां भी है, उसके पहले सब कुछ वहां तक वैसे लिख लो बिना कुछ किए। ब्रेकट इनको जोड़ोगे 7 × 3 = 10 × 5, ब्रेकेट खत्म हो गया, भाग पे आ जाओ, ये हल करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3, धान ये 10 × 5। आप क्या करोगे, आप गुणा करोगे, तो 47 × 5 − 3 इनका गुणा करो 50 आएगा। अब अगले लाइन में क्या करोगे, प्लस, सिर्फ प्लस प्लस वाला जोड़ लो, 47 × 3 = 50 × 52, 52 में 50 जोड़ो 102, 99 आएगा हो। किसी का कोई डाउट, कोई तकलीफ, शिल्पी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट सही करिए या वीडियो की क्वालिटी कम कर लीजिए, चलेगा, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दिया इसकी क्वालिटी सुधारने में, अब इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। हमारी तरफ से फुल HD में रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बोर्ड मास रूल में आप कुछ चीजें बदलेंगी, थोड़ा बढ़ेगा स्टेप, अब ये देखिए सारे ब्रेकर से सजा हुआ है, बताइए कैसे करेंगे। चलिए जवाब दीजिए, मनीषा समझ में आ रहा है, सोएब, वंदना, कृष्णा, मोहन, निवेदन है सभी से शांति बनाए रखें, चाय पानी की व्यवस्था की जा रही है, मिलेगा सबको, रुके रहो। हमारे यहाँ ही पानी खराब हो गया फिल्टर, इसलिए जुकाम पकड़ा हुआ है, यही तो है ना, लत लग जाती है, कहते हैं कि वो वक्त गुजारते रहे और हम आदी हो गए। देखो कैसे बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं, सबसे पहले ब्रेकट हल करते हैं। ब्रेकट में साथी मेरे, ये ब्रेकट 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटका कोष्टक, मजलका कोष्टक, बड़ा कोष्टक।
तो इनको सीरियल से हल करते हैं एक 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 तरफ से। देखो सबसे पहले रेखा कोष्ठक नंबर एक पर, नंबर दो पर ये छोटा कोष्ठक, तीसरी वरीयता मझला कोष्ठक को होती है और चौथी वरीयता एकदम लास्ट में नंबर आता है पांचवा की, सॉरी चौथा कोष्ठक मतलब बड़का कोष्ठक की। ठीक है, तो आप देखो समझो यहां पे, इसमें सबसे पहले अगर आप देखो तो रेखा कोष्ठक नहीं है, गायब है, तो बी वाले से शुरू होगा छोटा कोष्ठक से। छोटा कोष्ठक से हल करेंगे, देखो समझो यहां पे, साथी मेरे छोटका कोष्ठक ये है, वहां तक इनको ऐसे लिख लो, 19 प्लस ये 5 माइनस, वहां तक ऐसे लिख लो 17 प्लस। अब देखिए इस कोष्ठक में 5 माइनस 3 है तो ये 2 हो जाएगा और बाद में 5 है इंटू तो 5। मैंने पहला स्टेप कर दिया जो करना था, उसी नियम के अनुसार क्या होगा, अब मझला और बड़का कोष्ठक है तो फिर हम मझला कोष्ठक हल करेंगे। अब मझला कोष्ठक में जो जैसे है उनको वैसे सीरियल से करेंगे, मझला कोष्ठक हमें खत्म कर देना है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे साथी मेरे, क्योंकि गुणा और जोड़ दोनों है, तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 17 जोड़ोगे तो 17 10 27, यानी इस कोष्ठक को हम खोलेंगे तो 27 आएगा और बाहर से गुणा का चिन्ह लगा है 2। लेकिन एक काम करें, ऐसा लिखना सही है क्या? नहीं, खत्म तो करना चाहता था बट नहीं हो रहा है, वो कोष्ठक में फिर से लगा रहा हूं इसकी पहचान के लिए। ठीक है, सत्ताईस दूना 54 होगा ये, पहले जुड़ेगा 19 5 24, 24 माइनस 54, भाई साहब घटा लिया हो 30 आएगा माइनस में। नुपुर निगम सही है, कोई डाउट किसी को? शिवम तुम्हें मैं ब्लॉक कर रहा हूं परमानेंट, हमेशा के लिए। वो रिप्लाई तो नहीं दी लेकिन मैंने दे दिया तुम्हें। चलो ये पढ़ाई वाली क्लास है, यहाँ पे चैटिंग नहीं होती है, ये डेटिंग वाला ऐप नहीं है। चलो हो गया, आगे बढ़े। साथियों देखो बोर्ड मास रूल इसमें क्या क्वेश्चन और भी प्रकार के आते हैं। थोड़ा रुकना, बोर्ड मास रूल में बहुत तरह के सवाल आते हैं यार। सभी को समझ में आ गया? एक बार हाँ बोल दो, यस या नो, एक बार बोलिए सभी को समझ में आया हाँ या नहीं। बताइए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए, थोड़ा सा रुकना, रुकना थोड़ा सा, मैं आया। चलिए देखिए आगे, अगर सभी को आ रहा है तो बोलो एक बार यस, बढ़िया है सब। इसमें और क्या क्या बचा है? ठीक है, बोर्ड मास रूल के कुछ क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा। उसके अलावा हम क्या करने चल रहे हैं पता है आपको? रुको बताता हूं।
अभाज्य गुणनखंड वगैरह भी हैं। व्यंजकों में प्रयुक्त तो जोड़ घटाना गुणा भाग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली चीजें जानते हो कि नहीं आप, उनको बता देता हूं। पहले ध्यान सुन लो, थोड़ा सा जरूरी है, आगे काम आएंगी। ये जानते हो कि नहीं आप? ये है उसमें, वेरिएबल। देखिए ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं ये सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, बहुत जरूरी चीजें हैं ये। बोर्ड मास रूल एक अलग चैप्टर था, उसका जो कॉन्सेप्ट था लगभग चीजें मैं बता दिया हूं, उसमें बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा। वो काम खत्म हो गया, मत कहना कि वो उसमें बचा है कुछ। चलो ये अलग चीज है। कंस्टेंट क्या होता है? सभी नंबर अनंत तक, ये कंस्टेंट कहलाते हैं या फिर अचर पद कहलाते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित होती है, ठीक है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। इनकी लिमिट होती है, इनकी संख्या सिर्फ 26 होती है, 26 से अधिक नहीं होती है। इसके मान निश्चित होते हैं, जहां पर दो लिख दिया तो दो ही रहेगा, किसी भी अवस्था में कभी बदलेगा नहीं। इनके मान सिचुएशन के अनुसार बदल जाते हैं, किसी भी अलग अलग समीकरण में अलग अलग मान रखने पर। ठीक है, समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना जल्दी। चलो अलका समझ में आ रहा है? अफरीन अंसारी, शिल्पी आ रहा समझ में? पंकज सिंह आया सभी को? चलो अब आओ, चलो आगे देखो। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। अब मतलब की बात करते हैं साथी मेरे। जैसे जोड़ने की अगर बात करें, उसके पहले आपको पढ़ना होगा सजातीय पद। लाइक टर्म्स, विजातीय पद या अनलाइक टर्म्स, अनलाइक। लाइक टर्म, इसमें क्या क्या देखा जाता है पता है? नंबर एक, चर समान हो, घात समान हो। चर और घात समान होने चाहिए, सजातीय पद होता है। जैसे देखिए पहला, जैसे सात यक्ष, ये क्या है? इसमें चर समान है, यक्ष है और घात भी वन है। नौ यक्ष, इसमें भी देखो चर समान है, घात एक है। एक चीज और समझना, जैसे यहां लिखा है 17 y, ऐसे समझना यहां पे भैया हमारे, ये गुणांक है। क्या है? गुणांक है, ठीक है, इसका गुणांक है। ये क्या है? ये एक प्रकार से मुख्य पद है, या फिर इसे आधार बोल सकते हो, और ये घात है। ठीक है, समझ रहे हो? तो जो गुणांक है साथी मेरे किसी भी नंबर का, ये गुणांक कुछ भी हो सकता है, इससे सजातीय विजातीय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन ये चर देखा जाता है और ये घात देखी जाती, बस। जैसे यहां पर हो गया 18 यक्ष, ये ठीक है। यहां पर मैंने सिर्फ यक्ष लिख दिया, ये भी ठीक है। ये कभी सभी क्या सजाती है बात है? इसमें देख लो तुम भी जाती है, मैं 19 यक्ष लिखा, फिर 11 y लिख दिया, फिर 5 यक्ष स्क्वायर लिख दिया,
ये विजातीय पद हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर चर यक्ष है, यहां पर चर वाई है, यहां पर चर यक्ष की घात दो है, यहां पर एक है, यहां यक्ष की घात तीन है। मतलब हर जगह ना तो घाते समान है ना चर समान है। सभी समझ गए ना? यानी चर और घाते दोनों समान होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फट से लिखो। आराधना जी निवेदन है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतना ज्यादा तारीफ किया, और भी चीजें बढ़िया हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज्यादा बातें करनी है, नंबर दिया उन पे फोन करिएगा, हमारे असिस्टेंट साथी लोग आपकी हेल्प करेंगे। आगे चले चले देखिए, चर पद समान जैसे 19xy, अगर यहां स्क्वायर लगा दें x स्क्वायर y, 5yx स्क्वायर, ये चर पद हैं सभी। क्यों? सॉरी सजातीय है। इनमें चर दोनों में देखो x y है, इसमें भी x y है, इसमें भी x y है, या y x है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे इन चर में इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं। यहां पे मेन घात देखनी है, इसमें घात दो है, इसमें एक है, यक्ष की घात दो है, वाई की एक है, यक्ष की घात दो है, वाई की एक है, यानी ये सजातीय पद है। ठीक है भैया, सिस्टम हमारा डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा मैं चार्जर लगाऊंगा, थोड़ा सबर रखना। जो चीजें पढ़ाई जाए उन्हें प्यार से देखिए और नोट करिए। अलका सिंह समझ में आ रहा है? चलो आइए आइए, आपका ही तो इंतजार था। आइए जनाब, देखिए इनमें अगर हम सेम चीजें लिख दें, 19xy, यहां पर यक्स वाई स्क्वायर, और यहां पर हम लिख दें यक्स घात दो वाई घात दो, तो ये विजातीय पद कैसे हो जाएंगे? कोई कारण बताएगा? बताओ, चर तो सभी एक्स वाई उसमें भी थे, इसमें भी थे, इधर ये सजातीय था, उधर विजातीय काहे हो गया? बताओ, उज्जवल अभी हम आपको याद करने लगेंगे, फिर आप भाग जाएंगे, इसलिए कभी कभी मुझे भी इंतजार कर, मतलब याद कर लो। तुम सब लोग आपस में याद करते हो एक दूसरे को, कभी कोई नहीं कहता कि हम आपको याद कर रहे थे, हमें भी याद कर लिया करो कभी कभी, नहीं तो हम याद कर लेंगे तो कमेंट नहीं आएगा। चलो देखो इधर, तो इसमें घातें देखो भैया, एक्स वन वन है, इनमें देखो इनकी वन है, इनकी दो है, इनमें दोनों की दुई दुई है, ऐसे नहीं चलता काम। देखिए आपने देखा होगा जिन लोगों में आजकल शादी विवाह होते हैं, आजकल सभ्य समाज में, पहले तो जाति समान होना चाहिए, दूसरी उनकी पावर भी समान होनी चाहिए लगभग काफी केस में, समझ रहे हो? अगर एक बहुत ही लो क्वालिटी का इंसान है, बहुत ही गरीब तबके का है, तो एक बहुत ही हाई फाई घर में उसका रिलेशन नहीं बन सकता है, समझ रहे हो? मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का लड़का या लड़की है, तो किसी सामान्य सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले व्यक्ति से उसकी शादी बहुत रेयर केस में कभी इम्पॉसिबल, मतलब ही सी लगती है ना, नहीं होगी। पहले तो जाति समान होनी चाहिए, दूसरा पावर समान होनी चाहिए। तो ये शादी वाला एग्जांपल समझ लो तुम ऐसे ही, है ना? लोग अपने क्या कहते हैं, बराबर में खोजते हैं, रिश्ते वहीं चलते हैं, कभी कभी अपवाद भी होता है, बहुत से दरिया दिली लोग होते हैं, बहुत बड़े परिवार छोटे परिवार में जुड़ जाते हैं, अलग बात है, लेकिन नॉर्मल चीजें यही होती हैं। तो वैसे क्या है भैया, यहाँ चर समान होना चाहिए और पावर भी समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है?
पेपर सबका बढ़िया हुआ? चलो सभी समझ गए, तो चलिए देखिए अब आगे। थर्ड वाला देखा भैया, देखा मगर सब ही देखा। 48 एक्स वाई और जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, एक्स वाई स्क्वायर जेड। देखो ये क्या सजातीय पद हैं, एक बार सभी यस या नो बोलो फटाफट। चलो लिखा भैया लिखा हो। ये सभी सजातीय पद हैं उधर वाले भी क्या? नहीं, देखिए चर तो समान है, एक्स वाई जेड सब में है, लेकिन पावर गड़बड़ है। मतलब अगर एक ही जाति के मान लो दोनों लोग शुक्ला जी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी शादी हो जाएगी। काहे? एक लोग बहुत ही निम्न क्वालिटी के आते हैं, बहुत ही इनकम के मामले में आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, एक लोग बहुत ही हाई फाई हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसे रिश्ते बहुत कम बनते हैं, है ना? तो वैसे क्या, जाति तो समान है लेकिन उनकी पावर इक्वल नहीं है, पावर समान नहीं है। ठीक है, देखो घाते समान होनी चाहिए, चर यानी वेरिएबल्स एंड पावर दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी सजातीय होते हैं। शिरोमणि शर्मा जी आ रहा समझ में? सभी को समझ में आ रहा है? तो चला फिर सभी देखा हो, एमएस सभी सजातीय पर ढूंढ के निकाला, जोड़ा लगा हुआ इनका, अब हम एक्स वाई इसमें नंबरिंग कर देंगे। रुको दिखाता है, अगर इनकी हम नंबरिंग करें ए बी सी डी ई, तो बताइए कौन कौन सजातीय पद हैं। अगर ए और सी है तो आप ऐसे लिख दो ए सी, अगर सजातीय पद सी और ई है तो आप लिख दो सी ई। कौन कौन है? देख मगर सभी देख, सर आप मतलब मैं समझा नहीं, देखा मगर सभी देखा ऐसा बोला होगा शायद। उज्ज्वल सिंह की शादी हम सेट कर रहे हैं, बस इनको थोड़ा देर के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। चलो कोई बताया, अंजनी का आंसर आया ए और डी। अच्छा और कोई जोड़ा बना पाएगा किसी का? तुम लोग का नहीं बन रहा है तो कम से कम इसी में बना दो, ए बी सी ई। देखो ठीक है, देखो एक्स वाई की घात 2 और एक्स जेड, पहला नंबर तो इन दोनों को बनाता है, वाई घात 2 है एक्स और जेड, ठीक है, एक्स की 2 है वाई जेड, ठीक है, ए बी और डी, ए बी और डी है और ए एक ठीक है सी और ई, ये सजातीय पद है ना, ए बी सी डी सी, ये कहा है भैया? ए बी सी डी सी नहीं है, गलत है। देखिए इसमें 2 बन रहा है, ठीक है, 2 जोड़े बन रहे हैं, एक ए बी और डी है, हाँ, और एक है ये सी और ई, सजातीय पद। अगला चलो और आगे।
आगे चलो, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, नौ वाई स्क्वायर जेड एक्स, आठ एक्स स्क्वायर जेड वाई, एक्स जेड वाई स्क्वायर। चल भैया हमें बतावा हो, पी क्यू ए बी सी, इनमें बताओ कौन कौन सजातीय पद हैं। देखो इसमें दिमाग लगेगा, खोपड़ी ना नीचे से ऊपर तक भीज जाएगी अगर लगाओगे तो, नहीं तो नहीं आने वाला, ये मजे मजे वाला नहीं आने वाला है। वंदना इंटरनेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो चलेगी, क्योंकि क्लास एचडी में है और आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी वीडियो कम कर लीजिए। बतावा हो, गटाई उटाई जाम होती है आज हमारे। देखिए यक्स वाई और जेड है, यक्स की घात दुई है, ए में वाई की घात दुई है, तो कहूँ और वाई की घात दुई है, हाँ है, एक ठीक पी वाला लैला, वाई घात दुई एक्स जेड, ये इसमें भी है, ए में भी है, सी में भी है। कुल पांच आठ पद हैं, ठीक है। पी एस सी कौन, पी ए सी, घात समान है भैया, देखो यहाँ यक्स वाई घात दुया है, यहूँ वाई घात दुया है, और सी वाले में देखा यहूँ वाई घात दुया है, एक्स जेड एक का है, यक्स की घात दुई देखो क्यू और बी में है, तो क्यू और बी ये दुई तरह के सजातीय पद हैं। अफरीन समझ में आ रहा है, मोहिनी रागिनी मिश्रा, टाइम लगता है रिप्लाई करने में व्हाट्सएप का, इंतजार करिए, कोई पर्सनल चैटिंग तो होती नहीं, फटाफट कर दें, हजारों में सजाते हैं, वेट करिए। सजातीय पद अगर आज आप सीख गए ना तो बहुत बड़ा चीज सीख गए। चलो अगला देखो, इनमें सजातीय पद बताना, दिख रहा है, चलो इनकी नंबरिंग करो। इनमें जोड़ा बनाओ फटाफट, चलो बताओ कौन कौन सजातीय पद हैं। जल्दी करिए फटाफट, चलो रेडी, शिरोमणि हाँ बताइए, अंजनी यादव, आयांश, एसबी गेमिंग, वर्तिका सिंह बताइए, चलो भैया देखो, ए एक्स एंड वाई, अगर आप ध्यान दो तो ए एक्स वाई सब में है, लेकिन बात पावर की है, पावर का खेला है, तो पहला तो हम ई लिख लेंगे, उसके बाद ए का घात दो एक्स वाई किसमें है, सी में भी है, ए का घात दो इसमें ए वाले में भी है, ठीक है, ए सी ई, डी वाले में यक्स की घात दुई है और बी वाले में भी है, तो बस होएगा भैया ए सी ई और बी डी।
इनको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। इनको आगे पीछे कैसे भी लिख दो, इनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। सभी को सजाती है पद, समझ में आया। देखिए तबीयत बहुत अच्छी नहीं है तो क्लास बहुत बड़ी नहीं चलेगी फिलहाल के लिए, क्योंकि ठंडा काफ़ी अच्छा लगता है आजकल। और फिर आज की क्लास यहीं पे बंद होती है, अगली क्लास कल चलेगी। हाँ, जो भी साथी डेली फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं वो हमें टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ईमानदारी के साथ, जिससे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन, PDF फाइल और भी अन्य सूचना अपडेट मिलती रहे।